ये रोटेशन करता है 20 डिग्री के एंगल के ऊपर ईच सेकंड, हर सेकंड के अंदर, मतलब हर एक सेकंड, एक सेकंड गुजरेगा तो ये 20 डिग्री के यूँ आ जाएगा, फिर एक सेकंड गुजरेगा वापस, फिर एक सेकंड गुजरेगा इधर आ जाएगा, फिर एक सेकंड गुजरेगा ये इधर वापस आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है कि अ हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर। एक घोड़ा है जिसको बांधा हुआ है आपने एक किले से, जिसकी लेंथ जो है 9 मीटर है। मतलब आपके पास एक सर्कल बन रहा होगा, ये सेंटर के अंदर एक किला ठोका हुआ है, और इस किले से आपने जो है रस्सी के ज़रिए यहाँ पर एक हॉर्स को क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है। अब ज़ाहिर बात है जब वो घूमेगा तो किसके अंदर वो मूव करेगा, वो सर्कल के अंदर मूव करेगा, और वो कहता है कि उसकी लेंथ कितनी है, 9 मीटर। तो ये 9 मीटर की ये क्या है, रस्सी है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल, और वो सर्कल के अंदर मूव कर सकता है विद अ पेग एज इट सेंटर। जो किला है जिसे आप लोगों को पता है कि जिसे जानवर बांधते हैं उसको किला कहते हैं, और वो जो किला है वो कहाँ पर है, सेंटर पर है, ये सेंटर पर। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अगर जो घोड़ा है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी कि बाउंड्री जो होती है उसके इर्द गिर्द मूव करे, कीपिंग द रोप टाइट, रस्सी को अगर आप स्ट्रेच रखें, हाउ फार विल इट हैव गोन, आपने बताना है कि कितनी दूर तक वो घोड़ा जो है वो मूव करेगा थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, के जब उसने 70 डिग्री का एंगल यहाँ तक बना लिया हो। सपोज करें ये एंगल उसने कितना बना लिया, 70 डिग्री, तो आपने बताना है कि ये कितनी दूर तक घोड़ा गया होगा। ओके होगा, स्टेटमेंट समझ आ गए स्टूडेंट्स। अब देखें सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सॉल्यूशन में मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार बताता हूँ कि जो थीटा आ रहा है आपके पास वो रेडियन में होना चाहिए, अगर रेडियन में नहीं है तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। देखें तो थीटा आपके पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, डिग्री की जगह डिग्री की वैल्यू लगा दें पाई बाई 180, ये 0 0 से कैंसिल हो गया तो 7/18 पाई निकल आया, और पाई की जगह पाई की वैल्यू आप लगा दें 7/18, पाई की जगह 3.14 भी लगा सकते हैं और 22/7 भी लगा सकते हैं, तो ये 22/7 में 7/7 से कैंसिल हो गया, और ये 18 और 22 को आप कैंसिल करें 2 के टेबल के ऊपर, 2 9s are 18 एंड 2 11s are, तो 11/9 ये आपका क्या निकल आया, थीटा निकल आया। अब आपने L निकालना है, तो L निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएं, L इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है 9 मीटर, देखें 9 मीटर की रस्सी है तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा 9 मीटर, और थीटा अभी आपने निकाला कितना 11/9, तो यहाँ पर वैल्यू लगा दें 11/9, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा तो 11 लेंथ आ गई, और रेडियस किस में दिया हुआ था आपको, मीटर में, तो लेंथ भी किस में लिखेंगे आप, मीटर में, तो ये आपका लेंथ का आंसर निकल आया 11 मीटर। स्टूडेंट्स बुक में आंसर 10.99 आया, तो आप अगर यहाँ पर पाई की जगह 3.14 लगाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 10.99 निकल आएगा। ये ज़्यादा एक्यूरेट निकला है क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ किया 22/7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक क्लॉक आपको दी हुई है उसका जो पेंडुलम है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, और 20 डिग्री के एंगल की एंगल पर ये क्या होता है, ये स्विंग करता है, मतलब यूं करके यूं ये रोटेशन करता है 20 डिग्री के एंगल के ऊपर ईच सेकंड, हर सेकंड के अंदर, मतलब हर एक सेकंड, एक सेकंड गुजरेगा तो ये 20 डिग्री के यूं आ जाएगा, फिर एक सेकंड गुजरेगा वापस, फिर एक सेकंड गुजरेगा इधर आ जाएगा, फिर एक सेकंड गुजरेगा ये इधर वापस आ जाएगा। तो हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव, तो आपने बताना है कि इन 1 सेकंड के जो पेंडुलम की टिप है वो कितनी दूर तक वो जाएगी, यानी कि उसकी लेंथ आपने बतानी है इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर। तो अब देखें स्टूडेंट्स आपको रेडियस भी दे दिया गया है, थीटा भी दे दिया गया है, तो आप क्या करें दोबारा से L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले वही बात कि इसमें जो एंगल है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखें इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसके एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिग्री की वैल्यू पुट कर दें पाई बाय 180, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 9,
जीरो जीरो से और टू नाइन जर एटीन, तो पाई बाई नाइन रेडियन इसका निकल आया थीटा। अब इसके बाद आप एल इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लगाएं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल हमने फाइंड आउट करनी है, एल एज इट इज आ जाएगी नीचे, रेडियस आपको स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह पर आप 20 वैल्यू लगा दें, और थीटा भी आपने निकाला कितना पाई बाई नाइन, तो थीटा की जगह पर वैल्यू लगा दें पाई बाई नाइन। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो पाई की जगह आप वैल्यू 3.14 लगा के कर सकते हैं या 22 बाई 7 लगाएं, तो दोनों केसेस में जो मर्जी आप वैल्यू लगा लें तो आपका आंसर निकल आएगा 6.9813। तो ये लेंथ निकल आई, और रेडियस किस में था सेंटीमीटर में, तो लेंथ भी किस में निकल आएगी सेंटीमीटर में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बस ही नहीं पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।